क्लास के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, बांटती जाती है, बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग। और बटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान 90% हिंदुस्तान देख, फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है, कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। सर जो पद्मव्यूह वाले हैं उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है, सर जो पद्मव्यूह वाले हैं इनको गलतफहमी है, ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे, और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। सर मैं, अरे सर इसमें क्या गलती है सर? एक बात बताइए, सर सर तो जो पद्मवी वाले लोग हैं सर, जो कमल फॉर्मेशन वाले लोग हैं, उनको हिंदुस्तान का नेचर नहीं समझ आया। हिंसा नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है, चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है, हिंदुस्तान का नेचर अलग है। हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बताना चाहता हूं। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हर धर्म में मान्य सदस्य आप जानते हो, हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है जानते हो आप? चेयर को एड्रेस मैं बताता हूं सर, शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर गुरु नानक जी, सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संघ में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो, चक्रव्यूह शिव की बारात को हटाए हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। आप चक्रव्यूह बनाने वाले लोग हो, आपका हिंदू बोगस हिंदू बोगस बोगस। स्पीकर सर, तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, शांत हो जाए, खत्म कर रहा हूं सर, घबराइए मत, डरो मत। स्पीकर सर, सर कुछ महीने पहले सर मैं, जो आपने चक्रव्यूह, स्पीकर सर जो चक्रव्यूह बनाए गए हैं, नहीं कोई अपमान नहीं किया, मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैं कर नहीं सकता कभी जिंदगी भर, मरने तक मैं। क्या बात कर रहे हो,
आपने ये छोटे छोटे चक्रव्यूह बना रखे हैं, मैं इनको समझने की कोशिश करता हूं अपने छोटे से तरीके से। कुछ महीने पहले मैं 6-7 घंटे बढ़ाइयों के साथ काम किया, वहां विश्वकर्मा जी थे, उनसे मैंने एक सवाल पूछा। मैंने उनसे कहा कि आपको किस चीज से दुख होता है, किस चीज से आपको दर्द होता है। उन्होंने मुझे कहा, राहुल बात सुनिए, आपको समझ आ जाएगी, बात सुनिए, समझिए। सर इंटरप्ट कर रहे हैं सर, अब पूरे भाषण में बेल में आ जाते हो, सवाल करते हो इंटरप्ट करने का। ठीक है सर, तो मैंने विश्वकर्मा जी से पूछा कि आप यहां सालों से बढ़ाई का काम कर रहे हो, आप सालों काम पूरे देश में अगर आप देखोगे मिलेंगे, ढूंढो, आपको अपने घर में नहीं मिलेंगे, पूरे देश में मिलेंगे। तो मैंने उनसे पूछा, विश्वकर्मा जी आपको दर्द किस बात का होता है, दुख किस बात का होता है। तो उन्होंने कहा, राहुल मैं ये टेबल बना रहा हूं, मगर राहुल जी अब कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर कहा सच्चाई है। तो उसने कहा, राहुल जी मुझे दुख इस बात का होता है कि मैं ये टेबल बनाता हूं, मगर जिस शोरूम में ये टेबल रखी जाती है उस शोरूम में मैं अंदर जा ही नहीं सकता। कुछ ही दिन पहले सुल्तानपुर के रास्ते पे मैं एक भाई के साथ, मोची भाई के साथ बैठा, उससे मैंने ये सवाल पूछा, आपको दुख किस बात का होता है। कहता है, राहुल जी मेरा सम्मान सिर्फ मेरे पिता ने किया था और किसी ने नहीं किया। तो मेरा कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका, जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। क्यों बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हो? फिर वोट टिप्पणी करेंगे सर। स्पीकर सर, जाति जनगणना से ये जो छोटे छोटे खांचे आपने बनाए हैं, ये जो आपने सिस्टम बनाया है, चक्रव्यूह का सिस्टम बनाया है, ये टूट जाएगा। और इसके लिए हम पूरा दम लगा के, पूरा इंडिया गठबंधन दम लगा के ये काम करेगा। धन्यवाद, जय हिंद।